पावर तो फिर शैतान के पास भी बड़ी पावर है और नमरूद के पास भी बड़ी पावर थी, तो ये बात नहीं होती। आपको नेक नीति से आपको इंसाफ करना है। आपने अभी ऐसे प्लेयर ड्रॉप कर दिए जिनका टीम में होना बहुत जरूरी था। आपकी भी लक इसलिए साथ नहीं देती थी कि आप इंसाफ नहीं करते किसी के साथ। के साथ आ जाओ, मेरा और आपका कोई प्लान बन जाए और उस प्लान को जारी बात प्लान तो नहीं बनाना, उसको एग्जीक्यूट भी करना है, तो उसके लिए मुझे आपका नहीं पता कि आगे नेक्स्ट आप कब तक, हाँ आप कब तक हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बाबर आजम की चैट तो लीक हो ही रही थी, अब मीटिंग में की गई हुई बातें भी लीक हो रही हैं। बाबर आजम जो कुछ बात मीटिंग में करते हैं अब वो सबको पता होता है बाहर क्या हो रहा है। इसको लेकर बाबर आजम बहुत गुस्से में है, चैट को लेकर भी और इसको लेकर भी। बाबर आजम ने हमाद वसीम के बारे में एक ऐसी बात कही थी जो अब मीडिया पर बहुत गर्दिश कर रही है। हमाद वसीम के बारे में क्या कहा था ये भी मैं आपको बताऊँगा। दूसरी तरफ शाहिद खान अफरीदी, ज़का अशरफ से मीटिंग की है, ज़का अशरफ ने डायरेक्ट नहीं बुलाया था शाहिद खान अफरीदी को, ये वज़ीरे आज़म ने खुद भेजा है शाहिद अफरीदी को कि जाओ पीसीबी चेयरमैन से मीटिंग करो, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हालात है उसको थोड़ा ठीक करो, उससे मिलके मीटिंग करो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सब देखो। और इसको लेकर, मीटिंग को लेकर अब्दुल रजाक बहुत गुस्से में है। अब्दुल रजाक का क्या कहना था इस मीटिंग पर ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं बाबर आजम की। बाबर आजम ने हमाद वसीम को क्यों नहीं स्क्वाड में सिलेक्ट किया, जब वर्ल्ड कप का स्क्वाड सिलेक्शन कमेटी जब बैठी, बाबर आजम बैठे, पीसीबी चेयरमैन बैठे, वो इसलिए सिलेक्ट नहीं किया। बाबर आजम का कहना था हमाद वसीम T20 का प्लेयर है ना कि ODI का प्लेयर, उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। इस पर हमाद वसीम का भी रद्देअमल सामने आया। हमाद वसीम का कहना था कि T20 के प्लेयर पाकिस्तानी प्लेइंग 11 में भी खेल रहे हैं, अगर मैं T20 का प्लेयर था तो बहुत सारे और भी प्लेयर हैं जो T20 के प्लेयर हैं और पाकिस्तानी टीम में शामिल है। सबसे पहले उसका नाम तो उसने नहीं लिया। हमाद वसीम का सबसे पहले इशारा था जुमान खान के ऊपर, दूसरे नंबर पर है उसामा मीर के ऊपर। उसामा मीर ने अभी तक सिर्फ 8 ODI मैच खेले हैं, वो भी T20 का ही प्लेयर है, और जुमान खान ने सिर्फ 1 ODI मैच खेला है मगर वो भी स्क्वाड में शामिल है। हारिस राऊ का सब पूरे पाकिस्तान को पता है, वो T20 का प्लेयर था लेकिन बाद में उसको ODI में शामिल किया गया। हमाद वसीम ने नाम तो नहीं लिए इन प्लेयरों के मगर उसने ये कहा कि बहुत सारे प्लेयर हैं जो कि अभी पाकिस्तानी टीम में खेल रहे हैं, मगर हमाद वसीम T20 का प्लेयर नहीं है, ODI का भी प्लेयर है। हमाद वसीम के बहुत ज़्यादा मैच है, 50 से अबव मैच है, टोटल हमाद वसीम के 55 मैच है ODI में। हालांकि हमाद वसीम को अभी तक ODI मैच में अपनी बॉलिंग की वजह से मैन ऑफ द मैच नहीं मिला, सिर्फ एक बार मैन ऑफ द मैच मिला है, वो भी उसको बैटिंग की वजह से, जब उसने अफगानिस्तान से मैच जीता था उसमें अपनी बैटिंग से परफॉर्मेंस जो थी हमाद वसीम की वो बहुत अच्छी थी। हमाद वसीम की 55 ODI मैचों में 44 विकेटें थी, एवरेज भी 44 की ही थी, इकोनॉमी थी 4.88 की, यानी उसके हमाद वसीम ने टोटल 55 मैच खेले, मैच से भी कम विकेट थी हमाद वसीम की ODI में। बाबर आजम का इसी पर इत्तफाक नहीं हुआ हमाद वसीम को लेकर ODI में। बाबर आजम का कहना था कि ODI में हमाद वसीम का एक्सपीरियंस बहुत कम है जिस वजह से मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया। दूसरी तरफ शाहिद खान अफरीदी की मीटिंग हुई है पीसीबी चेयरमैन से, इसको लेकर अब्दुल रजाक तो बहुत ही खफा में है। अब्दुल रजाक का कहना था कि जितने भी पीसीबी आए हैं चेयरमैन पाकिस्तान के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए आए हैं, उनको मज़ा नहीं आता कहीं और, उसको ये पीसीबी चेयरमैन की सीट पर बैठकर मज़ा आता है इसलिए वो आते हैं। पीसीबी ज़का अशरफ है जो वो 2011 में भी मज़ा लेने आए थे, अब 2023 में भी मज़ा लेने आए हैं। इस मीटिंग को लेकर शाहिद खान अफरीदी का बहुत बड़ा विज़न है कि पाकिस्तानी टीम को अप किया जाए। सबसे पहले शाहिद अफरीदी का कहना था कि मुझे ग्रास लेवल पर अच्छे लड़कों की तलाश है और जो मैं प्लान दूं उस पर अमल किया जाए, और शाहिद अफरीदी का यह भी कहना था कि आज मैं सिलेक्ट होता हूं किसी भी पोस्ट पर और कल को मुझे पता ही नहीं होता मेरी पोस्ट है या नहीं है। शाहिद अफरीदी का यह भी कहना था कि आप भी चेयरमैन सिर्फ 4 मंथ के लिए थे, आप भी की भी मुद्दत खत्म हो रही है। इस पर पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ का कहना था कि मैं एक्सटेंशन लेने जा रहा हूं मजीद 4 मंथ की। इस पर शाहिद अफरीदी का कहना था कि मुझे 4 मंथ नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर जो मेरी प्लानिंग होगी उस पर अमल होना चाहिए, चाहे हम हो या ना हो कुछ ऐसा प्लान हो कि जो हमारी प्लानिंग हो उस पर अमल हो, हम नीचे से लड़कों को पिक करेंगे और अपनी टीम में शामिल करेंगे, डोमेस्टिक में देखेंगे कैसे बच्चे खेल रहे हैं, PSL में देखेंगे कि बच्चे कैसे खेल रहे हैं, जो अच्छी परफॉर्मेंस देगा मेरिट पर हम उसको टीम में सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों इस पर आपका क्या ओपिनियन है? बाबर आजम की इस तरह मीटिंग की भी बातें दूसरों को पता चल रही हैं, पर्सनल कुछ राय नहीं बाबर आजम का, ये बाबर आजम के साथ
कौन क्या कर रहा है इस पर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और शाहिद खान अफरीदी क्या पाकिस्तानी टीम को ऊपर लेके जा सकते हैं या नहीं, इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा।